अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम है इमरानुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम है विकी बाबू। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, उस वीडियो का टाइटल है इंडियन गॉट टैलेंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो तक पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट नाउ। वो सब मुंह से अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। Wow. अच्छा भाई, वीडियो खत्म हुई तो यार वाह कमाल है, सुपर से भी ऊपर उन्होंने कैसे, मैं तो हैरान रह गया हूँ। पहचान जो करोड़ों रुपए का सामान आता है ना, ये पैड वगैरह, अच्छा सब कुछ खत्म, एक आवाज एक आदमी सिर्फ सब कुछ कर रहा है। ऐसी ऐसी क्या यार, इतना प्यारा, इतना 3-4 मिनट लगातार, कोई ब्रेक नहीं,
एक ही चीज से माइक से ही उसने सारा कुछ सारी आवाजें देखो ना, जैसे जब मक्का लगाते हैं आदमी के हाथ था भाई। ये तो मानना पड़ेगा इंडिया में वाकई टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत उनकी उनकी मेहनत है कि वो बचपन से ही ऐसे ट्रेन करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। बाबू देखो ना जो बात भाई पता ही इमरान भाई क्या है, आपको शायद इस चीज का थोड़ा सा इलम होगा लेकिन अभी आपके दिमाग में नहीं, वो होता है बात का चीज ऐसे नहीं बने दिमाग में रहती। उस्ताद का जो लफ्ज है वो पाकिस्तान को मिला, उस्ताद नुसरत अली फतेह लिखा। अच्छा आपको इस बात का पता, इंडिया भी उसको उस्ताद मानता है। ऐसी ऐसी टैलेंट की राहत अली फतेह खान देख लो तो वो इंडिया में गुलकारी का अलग कर है, वो पाकिस्तान का। अच्छा अच्छा तो इसके अलावा आतिफ असलम है वो भी पाकिस्तान का, टैलेंट की पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं, लेकिन इंडिया की एक बात चलाने वाली है कि वो एक हीरे को तराशते, जैसे कोयले की कान से निकाल के हीरे को तराशते हैं, वो हीरे को तराशते वे बात उनकी माननी पड़ेगी। टैलेंट की कमी कोई नहीं, ऐसे देखो यूएस से भी लोग वहां पे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पाकिस्तान से भी जाते हैं और भी बहुत सारी कंट्रियां जो इंडिया में इनके चैनल पे आते हैं, सोनी चैनल पे आते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, डांस की भी क्लास देते हैं। भाई बात ये है कि ये बात वो म्यूजिक और है, बिल्कुल बिल्कुल वो म्यूजिक गाने गाना वगैरह ऐसा गुलकारी, ये एक जुबान के साथ पूरा बैंड बना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अपने जुबान और गले के साथ इसमें बैंड तबला भी साथ में और क्या क्या, असल में विक्की बाबू पता बात क्या है, असल में वो जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है ना उसको वो ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की वो क्लासें उन्होंने बकायदा म्यूजिक क्लब बनाए हुए हैं, वो बहुत खर्चा करते हैं, तो इस वजह से उन पे हीरे को वो वाकई तराशते हैं क्योंकि बचपन से उन्होंने ये काम करना होता है। अगर वो स्कूल भी पढ़ते हैं उसके बाद उनकी ये क्लास होती है, हमारे मुल्क में इस चीज की कमी नहीं है, लेकिन इतना बैंड को अपने गले से निकालना नहीं, ये हमारे अल्लाह का देन है, हां ऐसी है, अल्लाह ताला ने गला बनाया है, इंसान जो भी करेगा हमारे भी गले ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं मिमिक्री करते हैं, जैसे मुख्त लोगों के अदाकारों की सारी जो होते हैं ना आवाज निकालते हैं, एक बंदा होता है सारे अदाकारों की मुख्त, ऐसे पाकिस्तान में भी बहुत है उन्होंने सिंक्रोनाइज कर दिया, मतलब ऐसे लगता था जैसे एक ही आवाज, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ना दुनिया भर के लोग आते अपना टैलेंट लेके उस टैलेंट को वो उनके मजे में ये सब पाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा चीज को फॉलो ज्यादा करते हैं, उनके देखो अदाकार भी है ना जो उनके बच्चे हैं उनको वो पसंद था, जो भी ये कमाल था भाई सुपर बगैर वो चीज को माना पड़ेगा, बाकी यार टैलेंट क्या बंदे का। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और इसके अलावा जो भाई नया है वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अपना अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।